हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। तो हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 8 9 जो भी हो। ओ देखिए, ऐसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टीथ का एक स्पेशल लेक्चर दूंगा। तो टीथ का एक स्पेशल लेक्चर आ गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? देखिए, स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं डेंटिस्ट्री, नॉट अ डेंट्रोलॉजी। याद रखिएगा, नॉट अ डेंट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं डेंटिस्ट्री बोलते हैं। ओके, अब आइए यहां पे। इंसान का जो टीथ होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है। इंसान का जो टीथ है ना, वो क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है। तो लिखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को बोलते हैं क्या? हेटरोडॉन। क्या बोलते हैं? हेटरोडॉन। ओके, फिर उसके बाद सिमिलर टाइप ऑफ टीथ को बोलते हैं हेटरोडॉन्ट नहीं, क्या बोलते हैं? होमोडॉन्ट। आप बताइए, अपन लोग क्या है, होमोडॉन्ट है या हेटरोडॉन्ट है? सिंपल सी बात, अपन लोग हेटरोडॉन्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग का टीथ जो होता है वो क्या है, अलग तरह का होता है। इंसिजर है, कनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, यानी कि अपन लोग का जो टीथ होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, तभी तो बोले हेटरोडॉन्ट ना। ओके, अब आइए सिंगुलर टाइप ऑफ टीथ बोले तो होमोडॉन्ट। आगे देखिए, Teeth are embedded in jaw. It's called thecodont. क्या बोलते हैं? Thecodont बोलते हैं, है ना? Teeth are embedded in jaw. It's called बोलते हैं thecodont बोलते हैं। But similar type को monophyodont भी बोलते हैं। Monophyodont भी बोलते हैं। Okay? टाइप ऑफ टीथ हम लोग देखते हैं चार तरह का। कौन कौन देखते हैं? इनसीजर। क्या बोलते हैं? इनसीजर। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या? शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इनसीजर आई। क्या हो गया? इनसीजर आई। नेक्स्ट वन का कैनाइंस। क्या है? कैनाइंसी। नेक्स्ट वन इज प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स, यानी कि पीएम है, प्रीमोलर्स। नेक्स्ट वन इज मोलर्स। क्या है? मोलर्स, है ना? इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर को डिनोट करते हैं एमसी, नहीं तो इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आगे देखिएगा, अब क्या करते हैं इसमें लोग? इंसिजर का काम क्या है? देखिए, ध्यान समझिए। इंसिजर, जब आप किसी चीज को काटते हैं, क्या करते हैं? काटना। ऐसे आपको एप्पल खाना है, तो एप्पल खाना होगा, ऐसा थोड़ी है कि आप एप्पल को उठाएं और नहीं, आप एप्पल को खाएंगे कब? जब आपने एप्पल को उठाया, मारा खर्च। लेकिन मैं बोलूंगा आपको कि आपको खाना है चिकन लेग पीस, आपकी फेवरेट है ना, चिकन लेग पीस खाना है, तो क्या करेंगे? ऐसे लेंगे, ऐसे करके चूसेंगे? नहीं, आप वहां पे क्या करेंगे? चिकन लेग पीस को लेंगे और अपने मोलर और प्री मोलर की सहायता से एकदम मजा लेंगे आप। तो ये डिपेंड करता है फूड की अवेलेबिलिटी, किस तरह का फूड है ना, और कौन लो कंज्यूम कर रहे हैं। इसे हाथी के पास हर तरह का चीज नहीं होते हैं, इंसान के पास चार तरह का टीथ होता है, बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके टीथ भी नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का स्पीसीज है और किस तरह का फ्रूट है आपको हमको कंज्यूम करना है कि नहीं। तो याद रखिएगा, इंसिजन क्या करेगा? कटिंग, बाइटिंग जिसको बोल रहे हैं कटिंग, ठीक है। कैनाइन करता है टियरिंग में। क्या करता है? टियरिंग मतलब फाड़ने में, किसी चीज को फाड़ना है।
आपने देखा वो टाइगर लायन की जो दिखेगा न्यूक्लियर न्यूक्लियर बनाता है एकदम डॉगी, उनका कुछ फाड़ना होता है, मांस को लेकर खींचना होता है, तो उसके लिए क्या है टीयरिंग आई है। तो इंसिजर बाइटिंग कटिंग के लिए, कैनाइन टीयरिंग के लिए, अब प्रीमोलर और मोलर यह देखिएगा च्यूइंग के लिए, च्यूइंग करने के लिए आपको चबाना है अच्छे से, है ना, अच्छे से चबाना है तो आप क्या करेंगे प्रीमोलर और मोलर का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, मैं आराम से पढ़ा रहा ले चले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ तो हो गया टैपिक हो गया इंसिजर, इसका मैं ट्रिक देता हूँ आपको, ट्रिक ये है कि आपको भी याद कर लेना है, ठीक है, ये ट्रिक याद कर लेना है आपको भी। तो ICPM क्या है ट्रिक, बार क्या है ट्रिक देखिएगा, ट्रिक यही है इंडिया का पीएम कौन है, मोदी। ट्रिक देखिए, देखिए ट्रिक देखिए, आई माने इंसिजर, सी माने कैनाइन्स, पीएम का मतलब प्री मोलर्स, आईएम का मतलब मोलर्स, तो इंडिया का पीएम कौन है, मोदी है। ये तो क्या इंडिया का पीएम मोदी है, आप नहीं भूलिएगा कभी। आई माने इंसिजर, सी माने कैनाइन, पीएम माने प्री मोलर, आई एम मतलब मोलर, ओके। नेक्स्ट अब आइए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि डेंटल फॉर्मूला, ध्यान दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला देखेंगे, आई थिंक सो कर रहा होगा यहां तक बोर्ड में, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का, एडल्ट जो लोग जवान है उनके लिए क्या है भाई, तो ध्यान से लिए जवान को कहेंगे हम तो ये करिए, यहाँ फोकस लीजिए यहीं तक आना चाहिए, ठीक है। तो एडल्ट का फॉर्मूला जो होता है वो 2 1 2 3 1 2 1 2 3 into 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 into 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि अपर जॉब और लोअर जॉब नहीं, देखिएगा इतनी मैं तो आती होगी यार, 2 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 अपन नीचे क्यों करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और इतनी मैं तो आती है नहीं आते क्या, 4 2 6 6 4 10 10 6 16 ऊपर वाला 16 तो नीचे वाला भी 16 देख लीजिए 4 2 6 4 10 10 6 16 तो ऊपर 16 बड़ा चला बोल रहे हैं मैंने खर्च नहीं करना, यहाँ ऊपर 16 नीचे 16 यहाँ क्या हो जाएगा 32 30 जैसे कि आपके अंदर नहीं होगा, आपके कितना होगा आपके मुश्किल से 28 होगा 33 होगा, है ना, क्योंकि आप अभी एडल्ट नहीं है इसलिए आपके अंदर क्या होगा 32 नहीं होगा, ओके। नाउ एडल्ट का हो गया, अब आइए देखिए यहां तक आना है ना, अब यहां तक देखिएगा 20 या 17 years old मैंने कहा है ना, 20-17 years old का फॉर्मूला क्या रहेगा, का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उनका फॉर्मूला रहेगा 2 1 2 2 2 1 2 2 2 आई थिंक दिख रहा होगा आपको यहां तक, नहीं मैं देख लेता हूं यहां तक, हाँ गुड आ रहा है यहां तक, बस यहां तक है ना, चलिए देखते हैं। तो 20 या 17 ये सवाल क्या होगा, चलिए यस कीजिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 चलिए हम लाते हैं 4 2 6 6 4 10 10 4 14 तो अपर कितना 14 लोअर देखिए 4 2 6 6 4 10 10 4 14 नीचे कितना हो 14 अब ऐसे काटना मना है 14 ऊपर 14 नीचे कितना हो गया 20 हो गया दिस इज द फार्मूला ऑफ एडल्ट दिस इज द फार्मूला ऑफ 20 20 अब आइए नीचे आप देखते हैं क्या
चाइल्ड में कितना फंडा होता है, चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पर चाइल्ड इधर चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 अपॉन 2102 इनटू 2। बताइए ये क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ टीथ आर अब्सेंट इन चाइल्ड बेबी, क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ टीथ आर अब्सेंट इन चाइल्ड बेबी, किस तरह का टीथ जो है चाइल्ड बेबी में नहीं होता है, बताइए किस तरह का टीथ जो चाइल्ड बेबी में नहीं होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये हो गया इंसिजर, ये कैनाइन, हो गया प्रीमोलर, सर प्रीमोलर तो जीरो है, इसका मतलब प्रीमोलर टीथ क्या होता है चाइल्ड बेबी में नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसको करते हैं यहाँ पे 2 2 4 2 2 0 2 2 4 अपन 2 2 4 2 1 2 2 0 0 2 2 4 आई पी मैच 4 2 6 6 4 10 4 2 6 6 4 10 10 ऊपर 10 नीचे कितना हो गया तो आई पी 6 हो गया, वक नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको यहां तक आपको बताया, तो नोट डाउन करते रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ में, है ना। चलिए फिर से ऊपर से करते हैं हम लोग, ऊपर से दिखाइए यहाँ पे देखिए करा स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोले डेंटिस्ट्री बोले डन, फिर बताया मैंने देखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को बोलते हैं हेट्रोडोंट बोलते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ टीथ रहेगा उसको होमोडोंट बोलते हैं या मोनोफायरोडोंट बोलते हैं। नहीं फिर मैंने बताया कि देखिए ना हम लोग का जो जॉ होता है ना टीथ आर एम्बेडेड जॉ, हम लोग का जो जॉ होता है ना वो धसा हुआ रहता है कहाँ जबड़ा में, उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट बोलते हैं। ओके एक टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ इज कॉल्ड थीकोडोंट। नेक्स्ट वन इज द मैं बताया कि देखो टीथ जो होता है डिफरेंट तरह का होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को बोलते हैं हेट्रोडोंट। आप कौन कौन सा टीथ है मैं बताया इंसिजर है कैनाइन है प्रीमोलर है मोलर है क्या ओए जैसे समझ में आ रहा है आपको, इंसिजर है तो आई से डिनोट किया, कैनाइन है तो सी से किया, प्रीमोलर है तो पीएम मोलर है तो एम से किया, फंक्शन भी लिखा दिया मैं छोटी सी पॉइंट में कि देखो ना इंसिजर है तो बाइटिंग में करेगा कटिंग में करेगा, कैनाइन है तो डियरिंग में करेगा, प्रीमोलर है तो चीविंग, अब प्रीमोलर और मोलर दोनों चीविंग में करेगा चबाने में चबर में जिसको बोलते हैं। ओके फिर मैंने आपको बताया एक ट्रिक दिया प्यारी सी ट्रिक यही था कि इंडिया का पीएम कौन है मोदी है, इंडिया का पीएम मोदी है, इंडिया का पीएम मोदी है, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। अब आई फिर मैंने बताया कि देखो ये एडल्ट होगा तो उसका गणितीय फार्मूला कुछ और ही होगा 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 कर देना, 2 क्यों कर देना क्योंकि अपर लोअर जो अपर जो लोअर जो हो गया गुणा किए 32 आ गया, फिर बताया 20 20 स्कोर वाले में गुणा किए इतना आ गया, नीचे वाले नाते किया ये देना। तो मेरे कहानी का मतलब छोटा सा एपिसोड आपके लिए काफी फ्रूटफुल था होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे साथ नोट्स बना ही रहे होंगे आगे बढ़ते हैं। ओके अब थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है क्या है जो बताते हैं है ना, क्या है जो आपको बता देता हूं मैं उनको थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, आपके लेवल का टीथ इतना होगा यार, आपके लेवल का जो जो हमेशा में ट्यूशन में पूछा जाता है ना आपके लेवल का हैवी हो गया है कि नहीं। देखिए टीथ दो तरह का, एक तो आपका हो गया बचपन का दांत, दूसरा बोलते हैं क्या, देखिए ध्यान से टीथ एक हो गया क्या परमानेंट टीथ है ना, क्या हुआ एक हुआ सेकेंडरी टीथ पहला नंबर लीजिए, इसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ, दूसरा होता है क्या टेम्पोररी टीथ है ना, परमानेंट टीथ टेम्पोररी परमा टेम्पोररी टीथ को बोलते हैं हम लोग क्या डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं या मिल्क मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क मिल्क टीथ पता है दूध का दांत नहीं दूध का दांत, फिर इसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग क्या प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं है ना, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे फिक्स टीथ भी बोलते हैं इसको,
फिक्स टीथ बोलते हैं, फिक्स टीथ बोलते हैं, है ना, टीथ बोलते हैं। फिर इसको हम लोग इसको ना एक और नाम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुअस, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। सोचो मैंने आपको इतना सारा नाम बता दिया यार, नहीं परमानेंट टीथ या पड़ी टीथ, तो आप इसकी राह नहीं गुस्सेगा कि सर आप एग्जाम्पल लिखा है परमानेंट टीथ का, है ना, और फिक्स टीथ का, तो आपके दांत के बारे में इतना ज्यादा हो गया, है ना। हाँ अपने दांत की, हाँ एक और हाईटेक में लिखिए टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, लिख लीजिए हाईटेक में टीथ आर, टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मेन रूप से कैल्शियम ही होता है, ठीक है, मेन रूप से क्या होता है कैल्शियम ही होता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंबा लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, आई होप एपिसोड आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा, ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।